राजस्थान में उपचुनाव का सियासी महा अखाड़ा सज चुका है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दल भी राजस्थान के चुनावी रण के अंदर उतरकर अपना दमखम आजमाने को लेकर तैयार हो चुके हैं। जहां एक तरफ हनुमान बेनीवाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी रण में उतरकर पार्टी को लेकर अपना दमखम आजमाते हुए नजर आए, तो वहीं जहाँ बीजेपी भी लगातार राजस्थान में अपने लोगों को धार देने के लिए कोशिश कर रही है, जहां लगातार आदिवासियों की बात करते हुए राजकुमार रौत खुद नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार जिस तरह से साल 2024 के अंदर कांग्रेस के साथ इन दोनों ही दलों ने गठबंधन किया, अब जिस तरह से उपचुनाव है उसको लेकर भी गठबंधन की बातें सामने आ रही थी, जहां कांग्रेस ने पहले RLP के साथ गठबंधन की बात की। हालांकि हनुमान बेनी ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि हम गठबंधन करेंगे या नहीं, लेकिन राजकुमार रौत ने भी आज एक प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता में आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि हम गठबंधन करेंगे या नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से ही राजस्थान का सियासी पारा बढ़ चुका है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये पार्टी आलाकमान तय करेगी, लेकिन जिस तरह से अभी के जो हालात हैं उसमें ये लगता है कि BAP पार्टी राजस्थान के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करने वाली है। अब इस बयान के बाद से ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्मा चुका है, जहां कई सारे राजनीतिक विश्लेषक भी इस बयान को लेकर अपने अपने टिप्पणियां देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के इस सियासी महा अखाड़े में कौन होगा जो विधानसभा की सीट या पहुँचेगा, लेकिन और ये बात भी दिलचस्प होगी कि कौन होगा जो राजस्थान में विधानसभा तो पहुँचेगा ही और अपना जीत खा दमखम भी राजस्थान के अंदर दिखाएगा। क्योंकि जिस तरह से साल 2024 का चुनावी रण के अंदर जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ा गया, जहां BJP को महज 14 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों को राजस्थान में 11 सीटें मिली। वही जिस तरह से BJP अभी इस पूरे सदमे से उभर नहीं पाई है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन राजस्थान में अपनी जीत की खुशियाँ मना रहा है, तो वही खुशियाँ अब राजस्थान के उपचुनाव में भी कायम रह पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगिड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।